मंडल में 1 नवंबर से सभी जिलों में धान खरीद का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मंडल में 1 नवंबर से धान खरीद की शुरुआत होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी क्रय केंद्रों को खोल दिया गया है। हम लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा धान की खरीदारी की जाए। इसके अलावा सभी धान क्रय केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, शासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही धान की खरीदारी की जाए तथा कंट्रोल रूम के नंबर सभी क्रय केंद्रों पर लगा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें। मंडल में कुल 469 धान क्रय केंद्र को खोला जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, देखिए 1 नवंबर से हमारे मंडल में जो है धान खरीद की शुरुआत होगी। इसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। जो क्रय केंद्र थे वो हमारे खुल चुके हैं। जो मिल अटैचमेंट होने हैं उसका कार्य भी चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इस बार अच्छी धान खरीद हम लोग यहाँ पर कराएँ, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या दिशा निर्देश दिए हैं धान क्रय केंद्रों को? सभी को हम लोगों ने ये कहा है कि जो क्रय केंद्र होंगे उन पे किसान को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जितने भी अभिलेख हैं वो एक जैसे मेंटेन होने चाहिए। आई कार्ड सबके पास होना चाहिए। जितने भी हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो सारे क्रय केंद्रों पे लिखे होने चाहिए। और मैं भी फील्ड में विजिट करूँगा। बाकी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो भी अपने समय समय पर फील्ड विजिट करें और सभी जिलाधिकारी महोदय से और जो जिला खरीद अधिकारी हैं उनके जो SDM हैं उन सब से हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं और मंडल में एक अच्छी धान खरीद हम इस बार करेंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस बार 469 धान क्रय केंद्र जो हैं हमारे खुलने हैं और लगभग हमारे क्रय केंद्र जो हैं खुल चुके हैं। 15-20 जगह बचे हुए हैं जो कि इसी हफ्ते में पूरे हो जाएंगे और 1 तारीख से पहले हम अपनी पूरी तैयारियां जो है संपन्न कर लेंगे।